कांड चालीवा गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जातिस पावै ता हुक्म मनावै इस बेड़े को पार लंगावै गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवन जानी कहो कबीर पज सारग पानी उरवार पार सब एको दानी। मास्टर महताब सिंह जिहड़े खालसा हाई स्कूल तरन तारन दे हैड मास्टर सन अते एक होर गुरमुख सज्जन नितनेम रावलपिंडी शहर तों बाहर जाके गुरबाणी दा पाठ अते विचार करदे इहनां दे चित विच संत जी महाराज दे दर्शन दी खिच होई अते दिनों दिन वधदी गई। एक दिन मास्टर चंदा सिंह ने जिहड़े उहनां दिनां विच रावल पिंडी बीबियां दे स्कूल दे मैनेजर सन इन्हां दोहां सज्जनां नूं आके कहा भाई संत जी महाराज इस इलाके विच आए हुए सन मैं कल ही गड्डी तो उतरिया हाँ पहला गड्डी विच गुजरां वाले दे स्टेशन ते महाराजी दे दर्शन कीते फिर वजीराबाद लाले मूसे अते जेहलम वी दीदार होए जद गड्डी मंदरे पहुंची मैं फिर दर्शन लई गया पर संत जी गड्डी विच नहीं सन गड्डी तो उतर के मंदरे शहर विच गया उथों पता लगा कि संत जी महाराज कटास राज चले गए हन। दो चार दिनां मगरों चौधरी सुंदर सिंह कल्लर तो रावल पिंडी आए अते उन्होंने मास्टर महताब सिंह अते उन्होंने साथी नूं दसिया कि संत जी महाराज कनोहे पहुंच गए हन। चौधरी जी नूं इन्हां दोहां सज्जनां ने बेनती कीती कि असीं संत जी महाराज दे दर्शन करन लई शुक्रवार रात मानकियाले पहुंचांगे तुसीं स्टेशन ते साडे लई घोड़ियां भेज देना। शुक्रवार वाले दिन बड़ा ही टुट के मीह वसिया घोड़ियां ना पहुंच सकियां मानकियाले रात रह के दोवें प्रेमी कनोहे वल पैदल तुर पए चिकड़ पानी लंघदियां प्रेम दी डोरी दे खिचे होए संत जी महाराज दे चरणां विच पहुंच गए। रावल पिंडी तों होर गुरमुख बहुत सारियां संगतां संत जी महाराज दे दर्शन कर लई खिचियां आईयां इह सारे गुजर खान गड्डी तों उतर के कनोहे पहुंचे सारी संगत संत जी महाराज दे दर्शन करके निहाल होई। संत जी महाराज संगत दा एह उत्साह अते प्रेम देख के बड़े ही गदगद होए अते नाम बाणी द्वारा अकह बख्शिश कीती इस बेड़े को पार लंघावै इस इलाके दियां संगतां नूं निहाल करके संत जी महाराज रावलपिंडी आए अते इत्थों कश्मीर जाण दी तैयारी कीती। पहलां कुझ दिन बारामूले रहे अते हाउस बोट विच डेरा लाया। एक दिन सरदार संत सिंह थमाली वाले ने प्रसाद लई आख्या संत जी महाराज ने बड़े प्रेम नाल प्रवान कीता जद प्रसाद तैयार हो गया ते साध संगत प्रेमी दे घर वल तुरे तद बड़े ही जोर दा झखड़ चल पिया प्रेमी दे घर पहुंचण लई दरिया पार करना सी मलाहां ने हाथ जोड़ के जवाब दिता कि इस हनेरी अगे साडी कोई वाह नहीं चलदी। जद संगत निराश हो गई तां संत जी महाराज ने दिलासा दिता ते फरमाया भाई डोलो नहीं सतगुरु पार करनगे। एह कह के बड़ी उच्ची सुर विच इह सारा शब्द पढ़िया अते साध संगत नूं पढ़ाया गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे
सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जा तिस पावै ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आवन जानी। कहो कबीर पज सारिग पानी, उरवार पार सब एको दानी। तदों ही पता लगा जदों के सारे दरियावों पार पहुंच गए। बारह मूले दी साध संगत दा संत जी महाराज नाल बड़ा ही प्रेम हो गया। गुरुद्वारा साहिब कोट तीर्थ विच जिथे मीरी पीरी दे साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने माता भाग भरी दे प्रेम नूं पूरा करन दे दौरे विच चरण पाए सन, सवेरे शाम दीवान लगदे नाम बाणी दा तुट प्रवाह चलदा अते साध संगत बैकुंठ दा रंग माणदी। तहा बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, बहुत सारे माई भाई ने अमृत दी दात प्राप्त कीती अते गुरु कलगियां वाले दे जहाज ते चढ़े। प्रेमियां ने संत जी महाराज दे निवास लई गुरुद्वारा साहिब दे नेड़े दरिया जेहलम दे कंडे एक बड़ी सुंदर ते एकांत कुटिया पा दित्ती। बारह मूले तो संत जी महाराज श्रीनगर पहुंचे। इथे भाई काहन सिंह जी पंथ दे प्रसिद्ध विद्वान दा संत जी महाराज नाल मिलाप होया। भाई साहिब अपनी कलम नाल इस दर्शन दा नक्शा इउं खिंचदे हन। संत जी महाराज दे मनोहर शब्द अद्भुत सुर विच सारे खालसा पंथ दे माई भाई ने सुने ही हन। इहनां दा अपार प्रभाव संगतां ते पैंदा सी। मैनू राग दा रसिया जान के एक दिन कन्न विच आखिया, इह शब्द तां असी सारी संगत नूं नाल रलाउण वास्ते गाउंदे हां। जे आप दी इच्छा है तां आप नूं राग वी सुना दिंदे हां। इह फरमा के एक शब्द चार ताल दा मारवे विच अते एक पूरीए विच तीन तार दा अजिहा मनोहर गाया कि ओह दैवी धारना ते सुर मेरे कन्नां विच हुण वी गूंजदियां हन। संत जी आत्म ज्ञानी भगत नाम रसीए राग दे पूरे वाकफ, उपकारी उदार चित अते पूर्ण निमर सन। अजिहे महापुरख जीवां दे कल्याण वास्ते कदे कदे इस संसार विच प्रगट हुंदे हन। जोत अधिकारी नूं मिलेगी। श्रीनगर तो संत जी महाराज रावलपिंडी, कहूटे अते पोठोहार दे कई थावां ते हुंदे होए गुरसागर साहिब मस्तुआणे आ गए अते कुझ चिर बैठ के स्थान दी सेवा करवाई। इस समय दी एक खास गल भाई संत गुलाब सिंह जी दी जबानी दसी होई इस तरह आउंदी है। कुछ समा पहला संत जी महाराज ने भाई तेजा सिंह पसौड़ वाले नूं गुरसागर साहिब मस्तुआणे विच विद्यक आश्रम चलाउण दी सेवा बख्शी सी। महाराज ने भाई तेजा सिंह ते टिका साहिब नाभा, महाराजा रिपदमन सिंह अजकल महाराजा गुरचरण सिंह नूं सद्दा भेजिया। इह दोवें सुनेहा पुज्जण ते गुरसागर साहिब आ गए। संत जी महाराज ने इन्हां नूं एकांत विचार लई अपने निज दे कमरे विच सद्दिया अते संत भाई गुलाब सिंह जी नूं अपनी सेवा विच हाजर रखिया। जद सारे अपनी अपनी थां बैठ गए तद संत जी महाराज ने फरमाया, भाई तेजा सिंह जी तुसी टिका साहिब नाल मिलके मस्तुआणे विच विद्यक आश्रम चलाओ। इह बड़े प्रेमी हन, तन मन धन करके सेवा करनगे। भाई तेजा सिंह जी ने आख्या, इह की करन योग हन, हजूर दी मदद नाल ही आश्रम चलेगा। संत जी महाराज ने दूजी वार फरमाया, भाई असी तां गरीब साध हाँ, माया दी खेड माया धारियां दे सपुरद ही चंगी हुंदी है। असां तां खास कारणा करके थोड़े चिर लई मालवे देश दे लाभ हित इह पंड चुकी है। हुण तुसी दोवें मिल के इस नूं संभालो।
फिर असी आजाद होके नाम बाणी अमृत का खुला प्रचार कर सकांगे। भाई तेजा सिंह जी ने टिका साहिब वल हाथ करके आख्या कि यह तां कंगाल हन, हजूर दा हाथ सिर ते लोड़ींदा है। संत जी महाराज ने फरमाया, भाई तेजा सिंह इहनां ते सतगुरु की मेहर है, इहनां नाल मिल के काम चलाओ। यह सुन भाई तेजा सिंह जी ने मूंह पाड़ के आख्या कि जे आप माया की मदद नहीं कर सकते तां अपनी जोत मैनू दे दिओ। यह गल सुनदे सार ही संत का चेहरा लाल हो गया ते मुखों यह बचन निकले, सिर हाजिर है, जोत अधिकारी नू मिलेगी। दूजे दिन अमृत वेले ही संत जी महाराज उपराम होके चुपीते ही गुरसागर साहब तो चले गए। टिक्का साहब ते भाई तेजा सिंह अपने थां मुड़ गए। इस तो कुछ चिर मगरों महाराजा भुपिंदर सिंह महिंदर बहादुर पटियाला दी गद्दी निशीनी होई। गद्दी ते बैठदिया ही महाराजा साहब ने गुरमत नाल बड़ा प्रेम प्रगट किया। सारी रियासत दे दफ्तरां ते कचहरियां विच गुरमुखी प्रचलित करन दा हुक्म दे दिता। अपना आनंद कारज भी निरोल गुरमत अनुसार कराया अते फिर सतसंग लई संत जी महाराज नूं पटियाले सद्दा भेजिया। संत जी महाराज ने अपने मुखारबिंद तो हेठ लिखी वार्ता दास नूं सुनाई। इस समय महाराजा भुपिंदर सिंह दे चित विच सत संग ते गुरबाणी दे प्यार दी बड़ी सोहनी लहर चल पई सी। साडा अंदरों इह प्रेम सी कि घट तो घट 6 महीने महाराज दे नेड़े रह के उस दी इह बिरती परपक कर देईए। पर करतार दी नेत भाई तेजा सिंह पसौड़ीए दे चित विच इह फुर पिया कि जिहड़ा 7 लाख रुपया महाराजा पटियाले ने पंच खंड पसौड़ नूं देण दी आस दिवाई होई है, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸੰਤ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਂ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਬੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਸੌੜ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂਗਣ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨਾ ਫੋਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਸੌੜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂਗਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਅਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਸੌੜੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂਗਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂਗਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਵਾਲ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਣੋ ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਵਾਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੱਚੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਚੱਕਵਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਪੋਠੋਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ
संत जी महाराज की सेवा विच मस्तुआ ने पत्रिका भेजी के तुसी साडे नाल प्रतिनिध होके दिल्ली दरबार विच शामिल होवो अते उथे संगतां नूं दर्शन दे के निहाल करो। जद यह चिट्ठी पढ़ी गई तद साध संगत विच यह विचार होई कि गुरसागर साहिब मस्तुआना रियासत जींद की हद विच है। दिल्ली दरबार एक राजनीतिक समागम है। साडा धर्म है कि दरबार जींद नूं इस पत्रिका की खबर कर दईए। गुरमति अनुसार भाई हरी सिंह जी गड़वई नूं संत जी महाराज ने सरदार शमशेर सिंह चीफ मिनिस्टर जींद दे पास भेज दिता। उन्हां नूं भाई हरी सिंह जी ने खालसा कॉलेज अमृतसर कमेटी की चिट्ठी पढ़ के सुनाई। सरदार शमशेर सिंह जी ने चिट्ठी सुनदे सार ही भाई हरी सिंह जी नूं आखिया कि इस कार्य संबंधी रियासत जींद दा हक संत जी महाराज ते सब तों पहला है। असीं उन्हां नूं अपने नाल लै जावांगे अते सारी सेवा दा प्रबंध करांगे। वजीर साहब नाल इह विचार करके भाई हरी सिंह जी संत जी महाराज पास गुरसागर साहिब मस्तुआ ने मुड़ आए अते सारी गलबात आ सुनाई। संत जी महाराज ने रियासत वल्लों जाण दी मंजूरी दे दित्ती अते खालसा कॉलेज प्रबंधक कमेटी नूं उत्तर भेज दिता कि रियासत जींद सानू अपनी तरफों दिल्ली दरबार नूं लै जा रही है। थोड़े दिनों मगरों रियासत जींद दी स्पैशल गड्डी दिल्ली दरबार लई तुरी। इस विच संत जी महाराज अते उहनां दे जथे लई एक सैकंड क्लास बोगी रिजर्व कर दित्ती गई। दिल्ली पुजन ते जींद हाउस विच डेरा कराया गया अते एक फिटन ते लंगर दे सेवक सेवा विच हाजिर हो गए। हुण दरबार दा दिन नेड़े आ गया। मुगलिया खानदान ते उस तों पहलां राजपूत अते होर हिंदू महाराजियां दे वक्त दा दस्तूर सी कि दरबार दा जलूस हाथियां ते निकले। लॉर्ड हार्डिंग ते बंब चल जाण दे कारण यह फैसला हो चुका सी कि जार्ज पंचम की सवारी घोड़े ते ही निकलेगी। खालसा जी ने यह गुरमता कीता कि समय की शोभा अते गुरु घर की शान नूं वधाउण लई एक अदुती ते बड़ा शानदार जलूस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ताबे दरबार दे नीयत तों एक दिन पहला कढ़िया जावे। सिखां दा मुखी महाराजा जाण के इस जलूस का प्रबंध महाराजा भुपिंदर सिंह जी पटियाला नूं बख्शा गया। संत जी महाराज अगे सारी साध संगत वालों बेनती की गई कि ओह जलूस विच दर्शन दे के असली शोभा नूं वधाउण अते संगतां नूं निहाल करन। जलूस वाले दिहाड़े ऐन वेले सिर संत जी महाराज फिटन ते सवार होके पटियाले हाउस दिल्ली विच पुज गए। इत्थे अगे ही जलूस की सारी तैयारी हो रही सी। जद पटियाले दे मुखी अहलकारां नूं संत जी महाराज दे पुजन की खबर होई तां सारे दे सारे दर्शन करन लई आ गए। बड़े प्रेम नाल शरदा नाल चरण परसे सारिआं ने हाथ जोड़ के बेनती कीती, सच्चे पातशाह तुसी फिटन इत्थे ही छड्ड दिओ ते हाथी ते सुशोभित होके जलूस की शान नूं वधाओ। हुण जलूस तैयार हो गया। वायसराय ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबे बहन लई आनरेबल सर बाबा गुरबख्श सिंह की बेदी नूं नियत कीता होया सी, पर महाराजा पटियाला ने आख्या कि जलूस का प्रबंध मेरा है, मैं अपनी राय अनुसार जिस नूं चाहांगा ताबिया बैठावांगा। सो इस सेवा लई महाराजा साहब ने भाई साहिब भाई अर्जन सिंह बागड़िया नूं अर्ज कीती। भाई साहब ने जलूस का अरदासा सोधिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक सुनहरी पालकी विच हाथी ते सजाए भाई अर्जन सिंह जी ताबे हाजिर हो गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी के पिछे संत जी महाराज का हाथी, फिर नंबरवार होर गुरमुखां राजिआं महाराजिआं सरदारां अते कीर्तनी जथियां दे हाथी नियत कीते गए। जलूस पटियाला हाउस तो चल के सीसगंज साहिब पहुंचिया। इत्थे सारे हाथियां तो उत्तर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की चरण धूड़ लैण लई हाजिर होए। कुछ चिर बड़े अदब सत्कार अते वैराग विच संगत बैठी रही। रागी सिंघां ने अमोलक कीर्तन द्वारा साध संगत नूं निहाल कीता।
फिर अरदासा सोधिया अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हुक्म सुनाउण दे मगरों कड़ा प्रसाद वरताया गया। हुण जलूस दे किले वल तुरन दा समा आ गया। सारे अपने अपने हाथियां ते सवार हो गए, पर भाई अर्जन सिंह जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ताबे सजे हुए सन किसी खास कारण करके चले गए। जलूस दे प्रबंधकां ने संत जी महाराज अगे ताबे बहन लई बेनती कीती। संत जी महाराज ने फरमाया, भाई असी तां सदा ही ताबे हाँ, तुसी गुरु खालसे विचों किसी होर गुरमुख नूं इह सेवा बख्श दिओ। उस वेले एक गुरमुख निहंग सिंह जी दी सेवा विच बेनती कीती गई अते उह दीन दुनिया दे वाली सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ताबे सज गए। सारा जलूस तैयार हो गया अते हौली हौली बड़ी शान शौकत नाल लाल किले वल तुर पिया। इस वेले चांदनी चौंक विच अद्भुत नजारा सी। इधर हाथियां ते शोभनीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शानदार सुनहरी पालकी, रागियां दा मन मोहना कीर्तन, संत जी महाराज दे नूरानी दीदार, सिख राजियां महाराजियां दे सजीले पोशाके, मोतियां दे हार, चमकदियां कलगियां, सरदारां दे सुंदर अते रोह भरे चेहरे, फौजियां दे वीर रस भरपूर नेत्र, उधर दिल्ली अते होर सारे हिंदुस्तान दे माई भाई अपने अपने सोहने तो सोहने वस्त्र सजाए कोठे माड़ियां अते ममटियां ते बैठे सन। गली कूचे अते बाजार तमाशबीना नाल खचा खच भरे हुए सन। तिल सुट्टन दी भी थां नहीं सी। इस भीड़ भाड़ विचों तुरदा होया जलूस लाल किले दे मैदान विच पुज्जा अते दीवान खास वल तुर पिया। इत्थे जार्ज पंचम वायसराय अते हिंदुस्तान दे सारे वड्डे वड्डे राजे महाराजे नवाब रईस दरबारी बैठे हुए सन। जद जलूस ऐन दीवान खास दे नेड़े पुज्जा तद भाई तेजा सिंह जी धार्मिक मास्टर खालसा हाई स्कूल लायलपुर अते होर सिख सज्जना ने भाई हरी सिंह गड़वई की सेवा विच बेनती कीती कि संत जी महाराज अगे शब्द पढ़न लई अर्ज करो। जद दा जलूस सीसगंज साहब तो तुरिया सी, संत जी महाराज नेत्र मूंद अंतर ध्यान हो अपने इलाही रंग विच मस्त बैठे सन। जद भाई हरी सिंह जी ने साध संगत वल्लों शब्द पढ़न की बेनती कीती तद छिन्न मात्र नेत्र खुले अते आत्म रस बड़े हिरदे विच शब्द की महाकाश धुनी उठी। पैज रखी करतारे जन की पैज रखी, गौड़ी महला पंजवा थिर कर बैसो हो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे रहाओ दुष्ट दूत परमेसर मारे, जन की पैज रखी करतारे बाद साह साह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपौ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरे प्रभ स्वामी। नेत्र फिर बंद हो गए अते शब्द दे रंग विच मस्त शरीर दे रोम रोम नाड़ी नाड़ी दा जोर ला सारा शब्द उपर लिखी धारणा विच संत जी महाराज ने पढ़िया अते पिछे पिछे सारियां संगतां नूं पढ़ाया। इस दे नाल ही संत जी महाराज ने इस शब्द की धुन उठाई, बिलावल को हर समान नहीं राजा, एह भूपत सब दिवस चार के, झूठे करत दिवाजा रहाओ, तेरो जन होए सोए कत डोले, तीन भवन पर छाजा, हाथ पसार सकै को जन को, बोल सकै ना अंदाजा, चेत अचेत मूड़ मन मेरे, बाजे अनहद बाजा, कह कबीर संसा प्रम चूको, ध्रुव प्रहलाद निवाजा,
इधर अपने रंग विच रंगे हुए सारे जोर नाल संत जी महाराज शब्द पढ़दे सन। उधर हजारां गुरु के लाल उन्हां दे मगर उच्ची सुर विच गुरबाणी गा रहे सन। महा आकाश गूंज उठिया ते वायु मंडल शब्द दे तेजस्वी प्रभाव नाल भर गया। इस शब्दां दे भोग पैंदिया ही संत जी महाराज ने कलगी वाले दे दरबार खुशियां नित नवियां दी धुन उठाई ते सारा शब्द आसा महला चौथा गुरसेखा मन वधाइया जिना मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दरग है गुरसिख पैनाइए है जिना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा। उपरोक्त धारणा विच आप पढ़िया ते संगतां नूं पढ़ाया अस्तरज इलाही रंग बनिया। इस वेले जलूस एन दीवान खास दे हेठ लंघ रहा सी। जार्ज पंचम हिंदुस्तान दे सारे राजे महाराजे राज प्रबंध दे सारे कर्मचारी रईस सरदार दरबारी इह दर्शन ते शब्द दी धुन सुन के अस्तरज हो रहे सन। जार्ज पंचम ने संत जी महाराज वल इशारा करके पुछया कि इह कौन हन। किसी ने विचों ही दसिया कि यह खालसा जी दे श्रोमणी संत लॉर्ड बिशप एंड संत संत अतर सिंह जी महाराज हन। वाह कलगी तर पिता तू धन है तेरी कुदरत तू है जान है और न दूजा जान है। भावें असी किन्ने ही ढिले अते किरत कन हो गए हाँ तू अपने बच्चियां दी लाज सदा ही रखदा आया है ते सदा ही रखदा रहेगा। बिरद पालक सतगुरु अपने जलूस विच तू अपने प्यारे नूं भेज के खालसे दी ओह शान वधाई के खालसे जी दे जलूस दी महिमा दरबार दी सारी शान तो वध गई। तेरा जलूस कोहिनूर वांगू चमकदा हीरा बन गया अते इस दे नूरानी प्रकाश अगे सारी संसारी चमक दमक मात पै गई। दूजे दिन दरबार सी रियासत जींद वालों एक मुसलमान सूबेदार मेजर दी सेवा लगी कि वह संत जी महाराज दी अरदल विच जाके महाराज जी नूं दरबार स्थान विच बिठा देवे। जींद हाउस तों संत जी महाराज फिटन ते सवार भाई हरी सिंह गड़वई नूं नाल लै दरबार वल तुर पए। जद उत्थे पुजे तद सूबेदार ने देखिया कि संत जी महाराज का नंबर कुर्सियां दी दूजी लाइन विच है। सूबेदार फकीर दोस्त सी अते महापुरखां दे अदब अदाब तो जाणू सी। उसने अपने इस प्रेम विच कुर्सियां दी पहली कतार विच दो नंबर एहो जिहे लभे जिहड़े के कोल कोल सन अते दो सिख फौजी सरदारां दे सन। यह सोच के कि फौजी भरावां नूं अर्ज करके संत जी महाराज दे नंबरां ते बैठा देंगा उसने संत जी महाराज नूं पहली लाइन विच अपने सेवक समेत इन्हां दोहां कुर्सियां ते सजा दिता। थोड़े चिर मगरों ये फौजी सिख आ पुजे। करतार दी नेत गवर्नमेंट दी नौकरी दे हंकार ने उन्हां दे सिखी प्रेम ते इंसानियत ते घोर पर्दा पाया होया सी। जद यह अपनियां कुर्सियां पा सपड़े तद जींद दे मुसलमान सूबेदार मेजर ने बड़े अदब निम्रता अते प्रेम नाल इन्हां नूं सारी गल आख सुनाई। एक पासे संत जी महाराज दे अदुती दर्शन ते दूजे पासे सूबेदार मेजर दी अत गरीबी भरी बेनती सी। पर हंकार दे मते होए हिरदे की जानदे सन इन्हां ने सूबेदार साहब नूं बड़ी वध घट सुनाई। इथों तीक आख दिता कि रियासत दे सूबेदार मेजर नालों साडे रसाले दा मेहतर चंगा हुंदा है। संत जी महाराज दी खातर इह मुसलमान प्रेमी सारी लाह पा सही गया अते बेनती करी गया। पर कठोर हंकारी हिरदियां ते कोई असर ना होया सगों हथों पाई हो के हेठां सुट दिता। भावें नेत्र बंद सन पर संत जी महाराज यह सारी गल सुनदे अते साखी होके देखदे रहे।
एक गरीब सेवादार दी हंकारियां पासों बेजती ना सहार सके, चेत विच लहर आई कि असां दरबार तों की लैना है, चलो डेरे चलिए। अजे तुरन लई तैयार ही होए सन के किसी अन देश दे दो प्रेमी मर्द अते औरत महापुरखां दे दर्शन दे खिचे होए संत जी महाराज पास आए अते बेनती करके इहनां नूं अपनियां कुर्सियां ते जिहड़ियां के पहली लाइन दे सब तों उपरले दर्जे वल सन नाल जाके बिठा दिता। फिर आप संत जी महाराज दे नंबरां ते बैठ गए। इहनां प्रेमियां दे शुद्ध हिरदे दे प्रेम दे बद्धे होए संत शरीर करके तां दरबार स्थान विच सजे रहे, पर चित किसे खास अरदास विच जुड़ गया। गरीब सूबेदार मेजर दी नरादरी ने आप जी दे हिरदे ते बड़ी डाढ़ी सट मारी सी। बैंड वाजे वजे, तोपां दीआं छलकां होईआं, गॉड सेव किंग दी धुनी जोर नाल दरबार स्थान विच उठी। जॉर्ज पंचम वायसराय, लार्ड पादरी, राजे महाराजे, सरदार दरबारी अनेकां ही आए, पर संत जी अडोल कुरसी ते स्थित अपने वैरागमई रंग विच मस्त। दशमेश पिता दी दरगाह विच अरदास करी गए, कौन जाने पीर पराई। दरबार दी कारवाई खत्म हो गई। जॉर्ज पंचम, गवर्नर जनरल, राजे महाराजे, दरबारी, तमाशबीन सारे दे सारे वारो वारी चले गए, पर संत जी एक टक समाधि स्थित अपने रंग विच मस्त बैठे रहे। जद दरबार स्थान खाली हो गया, तद भाई हरि सिंह जी ने संत जी महाराज की सेवा विच बेनती कीती कि सच्चे पातशाह हुण तां सारी खेड दा भोग पै गया है, हजूर अपने आसन ते चलो। हौली हौली नेत्र खुले अते कोमल हिरदे विचों सहज सुभाए एक लम्मा होका निकलिया। सूबेदार मेजर नूं नाल लै संत डेरे वापस आ गए। दरबार समय जॉर्ज पंचम की निगाह संत जी दे तेजस्वी चेहरे ते पई। उसने पुछया कि इह कौन हन। महाराजा हीरा सिंह नाभा ने, जिहड़े इन्हां दिनां विच सिखां दे मन्ने होए मुखी राजे सन, उत्तर दिता कि इह सिख कौम दे श्रोमणी संत हन। असीं सारे इन्हां दे ताबे हाँ ते इह साडे सिरताज हन। एक पादरी बहुत चेर तीकर संत जी महाराज दे चेहरे वल तकदा रिहा। उसने आखिया कि इहो जिहा चेहरा मैं अज तक किधरे नहीं देखिया। इहनां दा तेजस्वी सरूप दसदा है कि इस शरीर विच खास रबी ताकत है। जे इन्नी ताकत वाला शरीर साडे विच हुंदा तां असी सारी दुनिया नूं ईसाई बना लैंदे। कांड 41वां। आसा महला चौथा, शांत कर चौथा, गुर अमृत पिन्नी देहोरी, अमृत बुरके राम राजे, जिना गुरबाणी मन भाईया, अमृत छक छके। गुर तुठे हर पाया, चूके धक धके, हर जन हर हर होया, नानक हर इके। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दी नी रखनी, सियाल 1914-1971 बिक्रमी। पंडित मदन मोहन मालविया जी ने, जिहड़े उस वेले हिंदू यूनिवर्सिटी दे सकत्तर सन, संत अतर सिंह जी महाराज नूं बड़े प्रेम नाल यूनिवर्सिटी दी नींह रखण दे समें दर्शन देण दी अते पंज अखंड पाठ करन दी बेनती कीती, जो संत जी महाराज ने प्रवान कर लई। महाराजा रिपू दमन सिंह, मालविंदर बहादुर नाभा अपनी स्पैशल ट्रेन विच संत जी महाराज नूं नाल लै गए। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੰਡਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ
ਬਿਆਨਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਭਰੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਕਾਂਛੀ ਰਾਜ ਨੇ 11 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਰੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ 11 ਸੁਨਹਿਰੀ ਇੱਟਾਂ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਬ ਚਲ ਨੀਵ ਧਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬਹੂ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮਨਗਰ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਹਾਊਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਲਈ ਗਏ। ਤਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰੰਜਨੀ ਅਖਾੜਾ ਅਸੀਂ ਘਾਟ ਪਧੈਨੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਤਮ ਰਸ ਭਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ। ਨਿਯਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਤਦ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਇਲਾਚੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਧਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਇਲਾਚੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾੜਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਾੜਾਂ ਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾੜਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣਗੀਆਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾੜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਪੰਡਿਤ ਇਲਾਚੀ ਰਾਮ ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਇਲਾਚੀ ਰਾਮ ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। 108 ਸਤੰਬਰ ਮੂਰਤੀ ਕਮਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਜੋ ਪਰਵਾਰੇ ਖੜੇ ਜਨ ਗਨ ਗਾਇਕ ਮੰਡਲੀ ਕਿੰਨਰ ਜਖਾਂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਭੀ ਆਹਾ ਚਾਰ ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਖੜੇ ਸਨ ਲੱਖਾਂ ਮਾਲਵੀਆਂ ਸੰਗ ਬੂਜ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਨਿਆਦ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਹਰ ਕੀ ਸੋ ਪੁਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੀ ਤਲ ਈਂਟ ਵਿਡੂਰਜ ਕੀ ਕਵ ਸੇਸ ਫਿਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕੀ
कर की कर कंकण लोह त्वनी सो गिरा गुर की वरनी वर की वर कीरत जौन अमी धर की श्री अतर हरि प्रित माहर की उज्जल पाल विलोकत ही महाराजा ती राज खुशी हर्षे कश ऐसो प्रभावर विंदर ज्यों बिन बूझे अनजान पतंबज ज्यों बरसे तुन आसा के वार श्री मुख तो जन अमृत मूंद गिरा बरसे हिंदू यूनिवर्सिटी नीव पवित्र अतर हरि ने धरी कार से उज्जल आहे लीलात बड़ो दस्तार सजी जिम सोम प्रभा उडमाल समान विराजत है दहने बामांक ज्यों शिष्य सभा सम नीरज अंत है करन पए प्रकाश करे खिन है सो तबा नृपनाथ सो नानक के कुल मैं नृपनाथन सो बड़ तेज जबा नेहो स्नेह सो भोजन के हित हो हमने निज थान हकारे पूप तिहावल तंदुल सो पिखथाल परे मुख बैन उचारे नाह अचै सिर लुंचत हो दृग दाड़ दुख है हम दीन पुकारे केस तरों जल छींटे दिए अब लो ना दुखे कभी नैन हमारे कबित ज्ञान विज्ञान शांति करुणा स्वरूप भूप भारी थे मला सिख सागर जहाज के मूर्ति आनंद कंद रहिंदी सी हमेश खुशी शेष मेरे गेस दुखी दीनन निवाज के सगल ब्रह्मांड विच सिखी दी सुगंध फैली चरण प्रताप अतर सिंह महाराज के शांति वर्ताओ आके शब्द सुनाओ बाबा लेना की है तुसी सच खंड में विराज के बीत रहे जोग बीच आप हो जो जान जोगी नेता सिर नेता आप सिखन समाज के संजम आहारी सुख शीलता विवेक धारी मालक हो आप दशमेश पिता राज के बेनती दो बंद कर आन जान बंद कर कट देने फंद इस शेष मृग राज के शांति वर्ताओ आके शब्द सुनाओ बाबा लेना की तुसां सच खंड में बिराज के सच खंड वासी श्री 108 गुरमुख प्यारे संत अतर सिंह जी दे दासां दे दासां दा दास पंडित लक्ष्मण सिंह सेस मिरगेस शास्त्री कैथ माजरी अंबाला शहर 14 अप्रैल 1946 सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विच भाग लेना। जद दी सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई संत जी महाराज इस नूं गुरु खालसे जी दी एक पंथक एकत्रता समझ के दर्शन दे के निहाल करदे सन। कॉन्फ्रेंस दे धार्मिक दीवाना दी शोभा अते खिच इन्हां दे भजन दे प्रताप करके ही सी। दूर दूर तो गुरु कियां संगतां इन्हां दे मनमोहने अते नूरानी चेहरे दे दर्शन करन अते अमोलक कीर्तन दे रंग विच रंगे जाण लई आउंदियां। डिंगे अते एक दो होर कॉन्फ्रेंसां तो छुट जद तीकर शरीर रिहा संत जी महाराज इस समागम ते संगतां नूं दर्शन दे के निहाल करदे रहे अते अपनी पूरी सत्या पंथक विद्यक उन्नति लई बख्शदे रहे। इस सुभाव अनुसार संत जी सन 1914 ईस्वी विच
सत्तवीं सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के समय जलंधर गए। इत्थे दूर दूर तो संगतां खिचियां आईयां। इन्हां विच बन्नू निवासी मास्टर संतोख सिंह जी वैद भी सन। समा पा के इन्हां ने संत जी महाराज अगे बेनती कीती कि गुरमत निजम प्रकाशक जथा बन्नू वल्लों दीवान नियत कीता गया है। दास इस जथे दा सकत्तर है अते राय साहिब चौधरी किशन चंद जी प्रधान हन। समूह प्रबंधकां अते साध संगत वल्लों हाथ जोड़ बेनती ही के हजूर इस समय जरूर ही दर्शन दिओ। इस दे मगरों जद संत जी महाराज ने दुशहरे दीआं छुट्टियां विच पिशावर खालसा दीवान विच दर्शन दिते, उत्थे भी मास्टर संतोख सिंह जी ने अपनी बेनती दोहराई कि बन्नू विखे दिवाली दे समय दीवान है, जरूर ही दर्शन देन की कृपा करना। संत जी महाराज ने फरमाया, असा फरूके खालसा दीवान विच वक्त दिता होया है, उस दीवान अते तुहाडे दीवान विच सिर्फ तीन दिनां दा ही फर्क है। तुसी फरूके आके सानू लै जाना। हुक्म अनुसार वैद जी फरूके अपड़े अते संत जी महाराज नू बन्नू लै गए। जथे विच सत साधु सन। इत्थे सिर्फ चार दिन रहे, जलूस बड़ा शानदार निकलिया अते दीवान बड़ी कामयाबी नाल होया। दीवान दी रौनक वधाउण लई भाई भाग सिंह, हीरा सिंह जी अते काका समुंद सिंह जी दे जथे भी आए हुए सन। जलूस विच संत जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया सजे हुए सी। एक रस समाधि स्थित साध संगत नूं निहाल कर रहे सन। माई भाई दे नेत्रां दी तार चकोर वांग इस चंद्रमुखी चेहरे दे दर्शन लई एक टक जुड़ी हुई सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी सवारी नाल 400 रसाले दे सवार रसालदार सुरैन सिंह जी दी कमान हेठ जलूस दी शान वधा रहे सन। इन्हां दे पिछों रागी जथे अते प्रचारक अमृत पिन्नी गुरबाणी दा कीर्तन अते गुरमत दीआं अमोलक विचारां सुना रहे सन। हजारां दी गिणती विच संगत दो दिन दीवान विच हाजर होई अते गुरबाणी दा कीर्तन प्रचार सुन के निहाल होई। अमृत वेले 3 बजे ही दीवान राम बाग विच सज जांदा। 4 बजे दीवान अस्थान विच बहन दी थां ना रहिंदी। आसा जी दी वार दे पहले 12 श्लोक संत जी महाराज माई भाई नूं पढ़ा के गुरबाणी दी अतुट झड़ी लाउंदे। इस दे मगरों 12 श्लोकां दा भाई भाग सिंह हीरा सिंह जी कीर्तन करदे। इत्थे 40 माई भाई ने अमृत छकिया, जिन्हां विच 4 सहजधारी वीर सन। इस दीवान विच कृपान दी आजादी दा गुरमता पास होया अते इस दीआं नकलां अखबारां पंथ दे मुखी जथियां अते राज प्रबंध दे कर्मचारियां वल भेजियां गईयां। बन्नू तो रास्ते विच संगतां नूं तारदिआं होया संत जी महाराज 8वीं सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस दे समागम ते पुज्जे। इस समागम दे प्रधान कंवर सिंह महाराज भुपिंदर सिंह जी दे छोटे भाई नियत कीते हुए सन। पर 1914 विच कैलीफोर्निया ते कनेडा तो आउंदे हुए जिहड़े सिख वीर कलकत्ते जहाज लगदियां ही फड़े गए सन, उन्हां संबंधी चीफ खालसा दीवान अते पंथ दे बहुत सज्जना विच बड़ा ही सख्त मतभेद हो गया। कॉन्फ्रेंस दे समागम विच लड़ाई झगड़े दा डर सी अते मतभेद हो गया। इस समय दा निभाउणा कोई मामूली जिही गल नहीं सी। समें दा इह प्रभाव देख के कंवर साहिब ने ऐन मौके सिर आउण तों नांह कर दित्ती। प्रबंधकां ते अचानक ही भार पै गया। अपनी सियाणप ते विचार नाल उहनां ने इह गुरमता कीता कि संत अतर सिंह जी महाराज पंथ दे सारे अंगां दी सांझी पूज हस्ती हन। इहनां नाल सिख कौम दे सारे फिरके जथे पार्टियां संप्रदाय प्रेम रखदे हन।
संत जी महाराज तो छुट होर कोई प्रेमी इस समय दे संभालन दी समर्था नहीं रखदा। सर्वसम्मति नाल संत जी महाराज नूं इस समागम दा प्रधान थापिया गया। गुरमते दे सिरे चढ़दिया ही जलूस की तैयारी शुरू हो गई। उधर राज प्रबंधकां नूं भी फिकर सी कि किधरे अमन विच गड़बड़ ना पै जावे। जद जलूस तैयार हो गया तद इस नाल बड़ा ही करड़ा फौजी पहरा नियुक्त कीता गया। संगतां विच उत्साह इन्ना सी कि शहर अते नगरां दे बेअंत माई भाई इकट्ठे हो गए। बाजारां विच तिल सुट्टण दी थां ना रही। भावें प्रेमियां दे हिरदियां विच इक दूजे दे विरुद्ध कई तरह दीआं लहरां चल रहीआं सन, पर शांति समुंदर संत जी महाराज दे प्रभाव अते आत्मिक शक्ति दे प्रकाश नाल जलूस दा समां बड़ी सोहणी तरह निभ गया। दूजे दिन अमृत वेले 3 बजे धार्मिक दीवान शुरू हो गया। इस विच पहला भाई भाग सिंह अते हीरा सिंह जी ने कीर्तन शुरू किया। फिर संत जी महाराज ने गुरबाणी की वर्खा शुरू कर दिती। संत जी महाराज की शेर वर्गी गरज अते गुरु संगतां दी पूरे प्रेम अते उत्साह भरी शब्द की कनकोर महा आकाश विच भरपूर हो गई। एन 10 बजे कानफ्रंस का सैशन शुरू हो गया। स्वागत कमेटी के मैंबर, फैलो डेलीगेट्स, विजिटर्स, रागी अते प्रचारक जथे सब अपनी अपनिया थावां ते सज गए। शब्द के अदब रखन लई कीर्तनी जथे पंडाल के सब तो उच्चे हिस्से विच बिठाए गए। कुछ मिनटां मगरों ही विद्यक कमेटी के मुखी मैंबर संत प्रधान नूं अपने नाल लैके आ गए। सारी साध संगत एकदम अपने पैरां ते उठ खलोती अते पंडाल जयकारियां दी गूंज नाल भर गया। डाइस उपर एक शहाना कुर्सी ते संत जी महाराज सज गए अते रिसेप्शन कमेटी दा प्रधान नाल दी कुर्सी ते बैठ गया। हुण विहारक तौर ते संत जी महाराज दा नाम प्रधानगी लई साध संगत अगे पेश होया। सारियां ने बड़े उत्साह नाल प्रवानगी दा जयकारा गजाया। इस दे मगरों रिसेप्शन कमेटी दे प्रधान ने अपना लेख पढ़िया। हुण संत जी महाराज दी प्रधानगी दे विख्यान दी वारी आई। प्रधान जी दा लेख तां अगे ही छप चुका सी। इह संत जी महाराज दे उपदेश मगरों वंडिया गया। संत प्रधान ने अपने मुखारबिंद तो यह अमोलक वचन सुनाए। पंथ की तरक्की लई संतां दे अमोलक वचन। साध संगत जी, असी सारे एहो ही चाहते हाँ कि खालसा पंथ की दिन दूनी रात चौनी तरक्की होवे, पर प्रेमियों यह तरक्की उस दिन ही होवेगी जद अमृत वेले 1:15 दे तड़के 3 बजे पिंड पिंड नगर नगर कस्बे कस्बे अते शहर शहर दीआं खूहियां ते साध संगत दे डोल खड़कणगे अते एक ओंकार सतनाम दी धुनी उठेगी। नंबर 2, जिस दिन सारे गुरु खालसे जी दा इको ही खजाना हो जावेगा अते गुरु दीआं संगतां अपने दसवंध अते कार पेट इस खजाने विच साल दे साल जां महीने दे महीने जमा कराउणगीआं, फिर आश्रमां अते पंथक कारजां लई किसी मंग अते अपील दी लोड़ नहीं पवेगी। मंग करन नाल खालसे जी दे निरपै अते बेपरवाह हिरदे विच कमजोरी आ जांदी है। भावें असां साध संगत दा वचन मन के 4थी सिख एजुकेशनल कानफ्रंस रावलपिंडी विच पंथ दे विद्यक फंड लई अपील कीती सी, पर साडा साखी इह कहिंदा है कि अपील करना खालसे जी दी शान दे उल्ट है। सहज सुभाए गुर के सिख निशान साहिब दे साए हेठ अपने आप जी अरदासे कराई जान, उथे बैठा अरदासिया चुपीते ही अरदासां करी जाए। बोलो जी वाहिगुरु, प्रेमी माया अरदास कराउंदा है नाम चित्यावे। नंबर 3, पंथ दे सारे अंग नाम जपण अते हरि कीर्तन नूं मुख कार समझण अते अपने सारे कारोबार गुरमुखी अखरां द्वारा चलाउण। इस दे मगरों बीबियां दा शब्द कीर्तन शुरू हो गया।
ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਿਯਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ 10 ਵਜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਅਕ ਫੰਡ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁੱਜੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੀਏ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਕਾਂਤ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ। ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਇੱਕ ਰਸ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੂਰੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਚੀਮਾ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਧੂਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੂਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਤੁੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹੇਰਨਾ, ਲੋਹਟ ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟੁੱਟ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਕਾਂਜਲਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੀਮੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨਗਰ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਉੱਠੇ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਭੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਟੋਭੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਟੋਭੇ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਬੁਰਜ
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਧਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਚੀਮੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਤਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਤਦ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਟੋਭੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਰ ਅਤੇ ਤੋਲੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਨ ਅਤੇ ਹੀਂਸ ਦੇ ਮੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ। 5 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਪਾਸੋਂ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ 5-5 ਫੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਫਿਰ ਟੋਭੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਦ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਅਰਜ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੂਨਾ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ 5 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਹਿੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਰੱਖੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭੋਲਿਆ, ਇਹ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਂਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਬੁੰਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵੇਖ ਡੱਲਿਆ ਅੰਬ ਤੇ ਅਨਾਰ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਮੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲੇ 5 ਖੰਡ ਭਸੌੜ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ SDO ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ।
संत जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया सजे हुए सन। साध संगत की आवाजाई ते नमस्कार करन हित दो को गज चौड़ा लाल कपड़ा फर्श ते विछिया होया सी। गुरुद्वारे साहिब दे अद्धे हिस्से विच प्रेमी सजे हुए सन अते दूजे विच माइयां बीबियां। पहला संत जी महाराज उच्ची सुर विच शब्द की तुक पढ़दे, फिर साध संगत अते तीजी थां माइयां बीबियां। एक सतरज रंग बनिया होया सी, अमृत पिनी गुरबाणी की ऐसी लहर चली हुई सी कि सारे माई भाई अपने अपने शरीर नूं भुला के शब्द रूप हो गए सन। यह एक बैकुंठ की झाकी सी। कह कमीर अब कही है काहे, साध संगत बैकुंठ है आहे। दीवान दे भोग दे मगरों सरदार आत्मा सिंह जी अते दास संत जी महाराज दे चरणा विच हाजिर होए अते दर्शन करके निहाल होए। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। फिर सरदार आत्मा सिंह जी ने हाथ जोड़ के प्रसाद छकन की बेनती की। संत जी महाराज ने फरमाया, भाई प्रसाद की वंड प्रबंधकां दे हाथ है, जदों यह वारी देंगे असी हाजिर हो जावांगे। नियत दिन संत जी महाराज सरदार आत्मा सिंह जी दे ग्रह प्रसाद छकन आए। प्रसाद छकन दे मगरों सरदार साहब की कोठी विच रखण दा गुरमता हो गया। दूजे दिन आसा जी दी वार दा दीवान कोठी विच ही लगा अते भोग दे मगरों खंड पाठ आरंभ हो गया। भोग पैण वाले दिन जद अमृत वेले संत जी महाराज दीवान विच आए तां एक प्रेमी सरदार जोगिंदर सिंह ने अपने प्रेम अते शरदा भगती नाल संत जी दे बैठण लई दरी ते एक कंबल विछा दिता। संत जी महाराज ने चुप चुपीते ही भूरे नूं चुक दिता ते सहज सुभा साध संगत दे नाल बैठ गए। ऊचा चढ़ै सो पवै पयाला, तरन पड़ै तिस लगै ना काला। सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस तरन तारन। अखंड पाठ दे भोग दे थोड़े दिनां मगरों ही संत जी महाराज ने नौवीं सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस तरन तारन दे जाण दी तैयारी कर ली। दास भी जथे समेत नाल हाजिर हो गया। तरन तारन साहिब पुज के संत जी महाराज ने डॉक्टर हरनाम सिंह जी की कोठी डेरा कीता ते बाकी जथे दा आसन उपदेशक महाविद्यालय विच कराया गया। संत जी महाराज ने अपने नितनेम अनुसार अमृत वेले धार्मिक पंडाल विच दीवान सजाया। 15,000 संगत सतगुरु के चरणों में हाजिर सी। शाम के समय सरदार खड़क सिंह जी नियत प्रधान कॉन्फ्रेंस समागम जलूस की शक्ल में तरन तारन रेलवे स्टेशन तो पैदल गुरुद्वारे साहब की यात्रा करके दीवान स्थान पुजे। रहरा साहब के मगरों जलूस का अरदासा सोधिया गया अते सारे अपने अपने डेरिया ते चले गए। दूजे दिन अमृत वेले आसा जी दी वार दे 12 श्लोकां दा रागी सिंघां ने कीर्तन कीता अते पिछला हिस्सा संत जी महाराज ने माई भाई नूं पढ़ाया। ऐन 10 वजे कॉन्फ्रेंस दा समागम शुरू हो गया। जद पंडाल विच सारी साध संगत प्रधान अते होर प्रबंधक अपनी अपनी थावां ते सज गए, तद ही महाराज ने जथे समेत दर्शन दिते अते सारा पंडाल सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल गूंज उठिया। रिसेप्शन कमेटी प्रधान ने अगे वध के संत जी महाराज नूं अपने नाल एक खास कुर्सी ते बिठा लिया। फिर सारी संगत अपनी अपनी थां बैठ गई। समागम दे प्रधान दी मर्यादा पूर्वक साध संगत पासों प्रवानगी लई गई। इस दे मगरों रिसेप्शन कमेटी दे प्रधान ने अपना लेख पढ़िया। फिर सरदार खड़क सिंह जी ने अपना एड्रैस पेश कीता।
ਜਦ ਐਡਰੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਕੱਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਸਭ ਦੀ ਲੇਵ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। 5 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ। 10 ਕੁ ਵਾਰੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਮਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 15,000 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। 5 ਵਜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾਂਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ। ਜਮਾਂਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੈ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। 1 ਦਿਨ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਦ ਜਮਾਂਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਤ ਸਭ ਕੋਏ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਖਦਾ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ,
ਦੋਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਕਾ ਫੂਸ, ਫੇਰ ਸੁੱਕੇ ਤੀਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਲਸ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸਵੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਗ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਭਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਹੀ ਬਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੱਟ ਅੱਗ ਲਟ ਲਟ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਗੋਹੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਤੇ ਤੀਲੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਖ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਸੁਲਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਬੇਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਦਮੜਾ ਜਾਂ 100-50 ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 500 ਜਾਂ 50,000 ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ, ਤਦ ਉਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸੀਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ, ਅਰਦਾਸਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਰਦਾਸੀਏ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮਾਇਆ ਆਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾਣ
साध संगत टेक के शब्द कीर्तन गुरबाणी दी विचार अते पंथ उन्नति दे गुरमते पास करी जावे। किसे नू भाजड़ ना पवे। सारियां ने आख्या, महाराज जी आप दी गल तां ठीक है पर समय दा रिवाज ऐसा ही पै गया है। संत जी महाराज ने फरमाया, भाई साध संगत समर्थ है, यह रिवाजां दी मालक है, अपना मन तकड़ा करके जो चाहे सो कर सकती है। वजीराबाद तो बाद गड्डी बदल के सियालकोट अपड़े, इथे संत जी महाराज दे जथे दा डेरा बाबे जी दी बेर कराया गया। दूजे दिन अमृत वेले आनंद कारज दा समागम सी। भाई ज्वाला सिंह जी रागी ने आसा जी दी वार दा कीर्तन कीता। संत जी महाराज दे अंदर शब्द दी लहर बड़े जोर नाल उठिया कर दी अते गुरबाणी दा कीर्तन शरीर दे रोम रोम दा बल ला के कर दे अते साध संगत नूं कराउंदे। पर इस दिन संत जी समाधि स्थित अडोल एक अश्चर्य स्रोता बन के रागियां दा अमृत पिन्ना कीर्तन सुनदे रहे। जद आसा जी दी वार दा भोग पिया तद संत जी महाराज दे नेत्र खुले अते आखिया, भाई यह जीव दान है। भाई ज्वाला सिंह ने बड़े अदब ते निम्रता सहित हाथ जोड़ के सीस नवाया अते आखिया, यह हजूर दी ही बख्शिश है। असी छोटे छोटे आप नूं तरन तारण साहिब माई राम कौर दे बुंगे विच कीर्तन सुनाया करदे सां। एक दिन हजूर दी दृष्टि साडे ते पई, उस नजर दा सदका दासां नूं इह कीर्तन दा गुण प्राप्त होया है। हुण आनंद कारज आरंभ होया अते मर्यादा पूर्वक सारा समागम 10 वजे संपूर्ण हो गया। इस दे मगरों सरदार खड़क सिंह जी संत जी महाराज नूं अपने कमरे विच लै गए। संत जी ने उत्थे जाके सरदार साहिब वाले इशारा करके दास नूं आख्या, देखो भाई सरदार साहिब इन्ने रईस हुंदिया होइआं वी गुरबाणी दे इश्क दा नमूना हन। सारा दिन इसे कमरे विच अपने आसन ते बैठे रहिंदे हन अते गुरबाणी दे पाठ दा रंग माणदे हन। प्रसाद छकन दे मगरों संत जी महाराज अपने आसन ते विराजे। शाम दा दीवान वी सरदार साहिब दे घर होया। इस मगरों संत जी कई दिन सियालकोट रहे। बाबे जी दी बेर अते संत राम सिंह जी दे ऐक वाले गुरद्वारे श्री गुरु सिंह सभा विच बड़े भारी दीवान सजदे रहे। 600 माई भाई ने अमृत छकिया। अमृत प्रचार दी सेवा संत जी महाराज ने दास नूं बख्शी। भाई कल्याण सिंह जी अते जथे दे होर चार शरीर नाल शामिल हुंदे सियालकोट तों दास तां आग्या लै के पटियाले मुड़ आया। संत जी महाराज ने इस इलाके दे कई नगरां नूं निहाल कीता। कुछ समा पा के गुजरांवाले दी संगत संत जी महाराज नूं लै आई। गुरमंत्र दा 10,000 वारी सिमरन करना। रावलपिंडी विच श्री गुरु सिंह सभा दी धर्मशाला बाग सरदार सुजान सिंह ते खालसा हाई स्कूल विखे बड़े भारी दीवान सजे। एक दिन शाम नूं संत जी महाराज मोटर विच स्कूल दे दीवान मगरों शहर दे दीवान वल आ रहे सन। मोटर विच सरदार हरदित सिंह द्रो जेड़े सरदार सोहन सिंह जी रईस रावलपिंडी दे खास मित्र सन महाराज जी दे नाल बैठे सन। इस नूं संत जी महाराज थापियां दे रहे सन। बख्शी बरकत सिंह सपुत्र बख्शी साधु सिंह जी कहूटा जेड़े कि उस वेले खालसा हाई स्कूल विच पढ़दे सन महापुरखां दी इस मेहर दा नजारा वेख रहे सी। इन्हां दे दिल विच इह तीबर इच्छा फुरी कि कदी संत जी महाराज मेरे ते वी थापी दी मेहर करन। करीबन 4 साल दा समां बीत गया। ननकाणे साहिब दे साके मगरों सन 1920 ईस्वी दीआं गर्मियां विच बख्शी बरकत सिंह जी लाहौर दे स्टेशन ते खड़ोते सन। संत जी महाराज एक सैकंड क्लास दे डब्बे विचों इकल्ले उतरे अते बख्शी जी ने दूरों ही सियान लिया।
प्रेमी छेती छेती अगे वध्या ते मथा टेकिया। फिर हाथ जोड़ के बेनती कीती के महाराज जी किधर जा रहे हो। संत जी महाराज ने फरमाया चोहा साहेब रोहतास पहुंचना है। बख्शी जी ने अर्ज कीती सचे पातशाह इथे ही दर्शन दियो। संत जी महाराज ने फरमाया कि असी वेले सिर पहुंचना है, उथे वक्त दिता होया है। यह गड्डी अगे नहीं जाती, इसलिए इस तों उतर खलोते हाँ। बख्शी बरकत सिंह जी ने हाथ जोड़ के बिना कीती सचे पातशाह यह गड्डी तोड़ जाने वाली है। यह सुन के संत जी उसे डब्बे वल गए, पर यह खचा खच भर चुका सी। बख्शी जी ने आख्या महाराज जी अगे चल के दूजे डब्बे विच बैठ जावो। अगले डब्बे वल जांदिया एक डब्बे विच जथे दी संगत आराम नाल बैठी नजर आई। उन्हां नूं संत जी महाराज ने हुक्म दिता कि तुसी आराम नाल बैठे रहो। दूजे दर्जे दे अगले डब्बे विच वी भीड़ बहुत सी। बख्शी जी ने संत महाराज नूं अवल दर्जे दे डब्बे विच बिठा दिता अते टिकट पहले दर्जे दी करवा दित्ती। फिर बख्शी ने हाथ जोड़ के पुछया महाराज जी कोई सेवा। संत जी महाराज ने फरमाया यह साडा गड़वा लै जाओ अते थोड़ी चाह जां गर्म जल लै आओ। बख्शी जी ने संत जी महाराज का सरबलोह का गड़वा फड़ लिया अते स्टेशन तो बाहर जाके अद्धा दुध अते अद्धी चाह का भरवा के लिया हाजिर किया। हुण गड्डी तुर पई सी ते बख्शी जी भी नाल बैठ गए अते संत जी महाराज नूं चाह पियान लग पई। एक हाथ विच गलास फड़ के संत जी महाराज चाह पीन लग पए अते दूजे नाल बख्शी जी नूं थापड़ियां दिंदे रहे। इसे प्रेम दे रंग विच बदामी बाग दा स्टेशन आ गया। इथे संत जी महाराज ने बख्शी जी नूं पुछया कि भाई नाम जपदा हुंदा है। बख्शी जी ने बेनती कीते कि दास नितनेम दियां बाणियां तां जरूर अमृत वेले पढ़दा है, पर नाम दा पता नहीं कि यह की वस्तु है। संत जी महाराज ने फरमाया भाई सतनाम वाहिगुरु जपया कर। फिर बख्शी जी ने पुछया महाराज जी किन्नी वारी जपया करा। संत जी महाराज ने फरमाया भाई 10,000 वारी। बख्शी जी ने फिर हाथ जोड़ के बेनती कीती सच्चे पातशाह यह तो बहुत सारा है। उसे वेले संत जी महाराज ने हिसाब लाया अते आख्या कि एक माला 1.5 मिंट विच फिरदी है, 1,000 वास्ते 15 मिंट अते 10,000 वास्ते 3 घंटे लगते हैं। बख्शी जी ने बेनती की महाराज इन्ना चिर जपना बड़ा औखा है। यह सुन के संत जी महाराज का चेहरा कुछ उदास जिहा नजर आया। महापुरखां दा नाम जपन नाल इह प्रेम देख के बख्शी जी दा चित द्रवीभूत हो गया। उन्हां हाथ जोड़ के बेनती कीती महाराज जी हजूर दी मेहर होई तां 3 घंटे ही जपया करांगा। संत जी हस पए अते बख्शी जी नूं हुक्म दिता कि हुण तुसीं उतर जाओ ते अपना काम कर करो। बख्शी जी ने आख्या दास रेलवे विच ही नौकर है, टिकट दा कोई फिकर नहीं, कुछ दूर होर हजूर दे नाल चलांगा। पर संत जी महाराज ने हुक्म दिता कि हुण साडे सिमरन दा वेला हो गया है, तुसी उतर जाओ। आग्या मन बख्शी जी गड्डियों लह गए अते दूजी गड्डी चढ़ के लाहौर पहुंच गए। यह अपने चित विच बड़े ही निहाल अते गदगद सन अते इस खुशी विच मस्त सन कि साडा 1916 दा फुरना संत जी ने अज पूरा किया है अते अपने दास नूं घट तो घट 20 थापड़े दिते हन। अमृत प्रचार। रावल पिंडी तो संत जी महाराज नूं नड़ाली दी संगत अपने नाल लै गई। साध संगत दे प्रेम ने दास नूं भी इत्थे खिच लिया। इत्थे एक बड़ा भारी दीवान नियत कीता होया सी। दीवान दे पहले दिन बड़ा शानदार जलूस निकलिया, दूजे दिन अखंड कीर्तन हुंदा रहा। भाई भाग सिंह, हीरा सिंह अते दूर दूर तो कई रागी जथे प्रचारक आए हुए सन। संत जी महाराज दे आत्मिक खिच अते प्रेम द्वारा 900 माई भाई अमृत छकण लई तैयार हो गए।
दूजे दिन अमृत वेले सारे अमृत बुलाखिया नूं भरे दीवान दे सामने एक नीम गोल दायरे विच खड़ा कीता। संत जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया सजे हुए सन अते साध संगत माई भाई नूं अखंड कीर्तन करा रहे सन। जद अमृत बुलाखी अपनी अपनी थां खड़े हो गए तद संत जी महाराज दे हुक्म अनुसार भाई कल्याण सिंह, भाई हीरा सिंह, दास संत तेजा सिंह अते दो होर प्रेमियां ने अमृत तैयार करने लई कमर कसा कर लिया। कड़ाह प्रसाद की देग सतगुरु सच्चे पातशाह की हजूरी विच आ गई। एक काले कंबल उत्ते पत्थर का कूंडा रखा गया, उस उत्ते एक वड्डा कड़ाह रखा गया। इस विच सोध का जल पाया गया। पांच होर सरबलो दे वड्डे बाटे भी हाजिर हो गए। संत जी महाराज अपने कीर्तन विच जुड़े रहे अते साध संगत नूं अमृत पिन्नी गुरबाणी दे रंग विच रंगी गए। पंजां प्यारियां ने अरदासा सोध के जल विच पतासे पा दिते अते मर्यादा पूर्वक पंज बाणियां पढ़ के अमृत तैयार हो गया। तद पौड़ी दे भोग पैन ते संत जी महाराज ने फरमाया के पंज प्यारे पंजां बाटियां विच अमृत पा के अमृत अबलाखियां दे पंज जथे करके सतगुरु कलगियां वाले दी पाहुल खंडे दी तार पलाउणी शुरू कर दिओ। पीओ पाहुल खंड तार होए जन्म सुहेला। माइयां दा जथा दास दे हिस्से विच आया अते बाकी सारे सिंह भुजंगी चौहां प्यारियां विच वंडे गए। इधर अमृत प्रचार शुरू हो गया अते उधर संत जी महाराज अपने नियम अनुसार एक रस कीर्तन कराई गई। जद अमृत प्रचार संपूर्ण हो गया तद संत जी महाराज ने शब्द कीर्तन का भोग पा दिता। भाई हीरा सिंह नूं एक उच्चे मेज ते खड़ा करके अमृत की रहत बहत अते संगत प्रति सतगुरु का उपदेश सुनाउण दी आग्या होई। बड़े मिठे अते मन मोहणे अखरां विच भाई साहब ने भरे दीवान विच दशमेश पिता दे हुक्म सुनाए। साध संगत एक टक बिरती जोड़ यह अमोलक बचन सुनदी रही अते सारयां दे हिरदे विच इह गल बैठ गई कि रहणी करके ही सतगुरु की खुशी प्राप्त हो सकती है। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे, रहणी रहै सोई सिख मेरा, ओह ठाकुर मैं उसका चेरा। संत शब्द रूप हुंदे हन। नड़ाली तो संत जी महाराज डेरा खालसे आए, दास भी नाल सी। संत जी महाराज ने इस इलाके दी संगत नूं जिहड़ी के बड़े चिरां तों दर्शन दी उडीक विच सी निहाल कीता। तीन दिन गुरबाणी दी अमृत वर्खा होई। चौथे दिन जद तुरन लगे तां संत जी महाराज गुरुद्वारे साहिब तों बाहर हजारां माई भाई नूं दर्शन देण लई कंध नाल खलो गए अते बड़े विराग विच इह शब्द पढ़िया। कदी होणगे संजोगी मेले, प्यारियां संगतां दे प्यारिया प्यारिया कदी होणगे। उस धारणा विच नदियां वाह विशुनिया, मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे, को जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाने, सतगुरु जिन चेतिया, बिन नाम हर के भरम भूले, पचहै मुगद अचेतिया, हर नाम भगत नारिदै साचा, से अंत ताही रुन्निया, सच कहै नानक शब्द साचै, मेल चिरे विशुन्निया। दा सारा शब्द पढ़िया सरबत साध संगत दे नेत्रां विचों नीर वह तुरिया थम्मे नाहीं। जद संत जी महाराज शब्द संपूर्ण कर चुके तद साध संगत नूं इस वैराग दी दशा विच देख के दिलासा दिता ते फरमाया,
हम बासी हैं उस देश के जहां जात वर्ण कुल ना है, शब्द मिलावा होत है देह मिलावा ना है। प्रेमियों साडा असली रूप सतनाम वाहिगुरु है, इस शब्द नूं प्रेम नाल जपो, असां सदा लई तुहाडे अंग संग हां। यह उपदेश करके संत जी महाराज मानकियाले स्टेशन वल तुर पए अते इथों गड्डी ते चढ़ के दरिया जेहलम दे किनारे सराए आलमगीर संत जोध सिंह जी दे पास चले गए। इथे कुछ चिर आराम कीता। थोड़े दिनों मगरों इस गुरुद्वारे का पहला दीवान सी। हजारां संगतां नूं गुरबाणी अते खंडे दे पहल दे के निहाल कीता। संत जी महाराज दे कंड ते पित पक्कण नाल एक बड़े डूंघे जख्म का फोड़ा सी। इस विच सलाई 2 इंच दी चली जांदी सी। दीवान दे समागम दे मगरों संत भाई जोध सिंह ने बेनती कीती, सच्चे पातशाह दास दा एक गुरद्वारा कसौली कोल गड़खल बस्ती विच है, हजूर कुछ दिन उथे टेक के आराम करो, ठंड करके फोड़े नूं कुदरती आराम आ जाएगा। यह बेनती मन के संत जी महाराज सराय आलमगीर तों पहाड़ वल चले गए।